एकओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। औखी घड़ी न देखण दे, 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 अपना बिरद संभाले, अपना अपना बिरद संभाले, अपना बिरद संभाले, औखी घड़ी न देखण दे, औखी घड़ी न देखण दे। हाथ दे राखे अपने को, हाथ दे राखे अपने को, सांस प्रतिपाले, सांस प्रतिपाले, सास प्रतिपाले, सास प्रतिपाले, औखी घड़ी न देखण दे, औखी घड़ी न देखण दे। प्रभु सो लाग रहो मेरा चीत, प्रभु सो लाग रहो जीत, आद अंत प्रभ सदा सहाय, तन हमार मीत, आ
सुनाब रहो मेरा चीत आतंत प्रभ सदा सहाई तन हमारा मीत तन हमारा मीत तन हमारा मीत तन हमारा मीत औखी करी मन बिलास पाए साहेब के मन बिलास पाए साहेब के अचरज देख बड़ाई अचरज देख बड़ाई हर सिमर सिमर आनंद कर नानक हर सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रभ पूर्ण पैज रखाई प्रभ पूर्ण पैज रखाई प्रभु पूरन पैज रखाई प्रभु पूरन पैज रखाई औखी कड़ी न देखण दे औखी कड़ी न देखण दे अपना बिरद समाले अपना बिरद दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम आठ पहर आराध्य आठ पहर आराधिए पूरन सतगुर ज्ञान दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम चित कटव से पार ब्रह्म सोई सुहावा थाओ जम कंकर नेड़ ना आवई रस ना हर गुण आठ पहर आराध्य आठ पहर आराध्य पूरन सतगुर ज्ञान दुख भंजन
तेरा नाम मुझे दुख भंजन तेरा नाम दुख भंजन तेरा नाम मुझे दुख भंजन तेरा नाम सूरत न जानिया ना जापे आराध ओ तेरी जग जीवना मेरे ठाकुर अगम आगाद आठ में घर आराधी आठ पहर आराधी है पूर्ण सतगुर ज्ञान दुख भंजन तेरा नाम जे दुख भंजन तेरा नाम दुख भंजन तेरा नाम पहे कृपाल गुसाइया नठे सोग संताप तरती वाओ न लगाई सतगुर रखे आप आठ पहर आराधी है आठ पहर आराधी है पूर्ण सतगुर ज्ञान दुख भंजन तेरा नाम जे दुख भंजन तेरा नाम दुख भंजन तेरा नाम सब किच पाया जन नानक सद बलहार आठ पहर आराधी है आठ पहर आराधी है पूर्ण सतगुर ज्ञान दुख भंजन तेरा नाम जे दुख भंजन तेरा नाम दुख भंजन तेरा नाम जे दुख भंजन तेरा नाम आठ पहर आराधी है आठ पहर आराधी है पूर्ण सतगुर दुख भंजन तेरा नाम जे दुख भंजन तेरा नाम दुख भंजन तेरा नाम जे दुख भंजन
तेरा नाम। आठ पहर आरा दिए, आठ पहर आरा दिए, पूर्ण सतगुर ज्ञान। दुख पंजन तेरा नाम, जे दुख पंजन तेरा नाम, दुख पंजन तेरा नाम, जे दुख पंजन तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। वाहे गुरु। गुर पारस हम लो मिल कंचन हो राम, गुर पारस हम लो मिल कंचन हो राम, मिल कंचन हो राम, मिल कंचन हो राम। मिल कंचन हो राम, मिल कंचन हो राम, गुर पारस हम लो मिल कंचन हो राम, गुर पारस हम लो मिल कंचन हो राम। ज्योति ज्योत मिलाए, ज्योति ज्योत मिलाए, काया गढ़ सोहे आराम, काया गढ़ सोहे आराम, मिल कंचन हो राम, मिल कंचन हो राम, मिल कंचन हो राम, मिल कंचन हो राम, गुर पारस हम लो मिल कंचन हो राम, गुर पारस हम लो मिल कंचन हो राम। काया गढ़ सोहेया मेरे प्रभु मोहेया, क्यों सास गिरास बिसारी है, काया गढ़ सोहेया मेरे प्रभु मोहेया, क्यों सास गिरास बिसारी है, अदृष्टे अगोचर पकड़िया गुर शब्दी, हो सतगुर कै बलिहारी है, अदृष्टे अगोचर पकड़िया गुर शब्दी, हो सतगुर कै बलिहारी है, ज्योति ज्योत मिलाए, ज्योति ज्योत मिलाए, काया गढ़
सोहे आराम। काया गढ़ सोहे आराम, मिल कंचन हो आराम, मिल कंचन हो आराम, मिल कंचन हो आराम, मिल कंचन हो आराम। गुरु पारस हम लोग मिल कंचन हो आराम, गुरु पारस हम लोग मिल कंचन हो आराम। सतगुर आगे सीस पेट देओ, जे सतगुर साचे पावे, सतगुर आगे सीस पेट देओ, जे सतगुर साचे पावे, आपे दया करो प्रभु दाते, नानक अंक समावे, आपे दया करो प्रभु दाते, नानक अंक समावे, ज्योति ज्योत मिलाए, ज्योत मिलाए, काया गढ़ सोहे आराम, काया गढ़ सोहे आराम, मिल कंचन हो आराम, मिल कंचन हो आराम, मिल कंचन हो हम लोग मिल कंचन हो आराम, गुरु पारस हम लोग मिल कंचन हो आराम, मिल कंचन हो आराम, मिल कंचन हो आराम, मिल कंचन हो मिल कंचन हो आराम, गुरु पारस हम लोग मिल कंचन हो आराम, गुरु पारस हम लोग मिल कंचन हो आराम, गुरु पारस हम लोग मिल कंचन हो आराम। अवगुण मेरे
साहिबा मेरे साहिबा मेरे साहिबा मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे कहीं न जाने अवगुण मेरे मेरे साहिबा मेरे साहिबा मेरे साहिबा मेरे साहिबा कत की माई बाप कत केरा किदु ताऊ हम आए अगन बिंब जल पीतर ने पूजे काहे काम उपाए मेरे सारे केत रूख बिरख हम चीने केत पासु उपाए केत नाग पुली में आए केत पंख उड़ाए मेरे सारे साहिबा मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे कहीं ना जाने अवगुण मेरे मेरे साहिबा मेरे साहिबा मेरे साहिबा मेरे साहिबा हट बटन बिज मंदर पन्ने कर चोरी कर आवे अगू देखे पिछू देखे तुझ ते कहां छुपावे मेरे सारे तट तीरथ हम नवखंड देखे हट पटन बाजारा लैक तकड़ी तो
बोलन लागा कटहि में वण जारा मेरे साहेबा मेरे साहेबा मेरे साहेबा मेरे साहेबा चेता समुंद सागर नीर परेया ते ते गण हमारे दया करो किच मेरी उपाव रूप दे पत्थर तारे मेरे सारे बराबर तबे पितर वगे काती प्रणवत नानक हुक्म पछाने सुख होवे दिन राती मेरे साहेबा साहेबा मेरे साहेबा कौन जाने गुण तेरे कहीं न जानी अवगुण मेरे मेरे साहेबा मेरे साहेबा मेरे साहेबा मेरे कत के माई बाप कत केरा किदू थाऊ हम या परम सत्कार सासु ए पवित्र शब्द तन गुरु नानक साहब जी का उच्चारण किया होया कत के माई बाप कत केरा किदू थाऊ हम आए माई क्या है मां कत की माई बाप कत केरा किदी मां ते किदा पिता ए मां कदों दी होई पिता कदों दा होया फिर कि दी मां ते कि दा पिता सतगुरु जी बाणी विच उपदेश करते हैं दावा ते असी सारे करते हैं ऐ मेरा है ऐ मेरा ऐ मेरे तिया पुत्र ऐ मेरे माता पिता ऐ मेरे भैन भरा पर सतगुरु कहते हैं कौन किद है और कितों आए ने क्यों आए आप जिन्हें भी सुनन वाले हैं एक मिनट वास्ते अपने मन विच विचार करिए एडा वड्डा संसार है और कमाल की गल ये है इस संसार विच जिन्हें भी इंसान हैं औरतां बच्चे मर्द
हर कोई अपने आप नू कुछ ना कुछ समझता है, अपने आप नू कुछ ना कुछ समझता है। हर आदमी का एक दायरा है, कोई पुत्र है, कोई पिता है, कोई पति है, कोई पिता है, कोई दादा है, कोई परदादा है, कोई मां है, कोई धी है, कोई दादी है, कोई परदादी है। और कमाल ये है, हर एक का खानदान है। संसार विच कितने लोग ने, सारियां दे माता पिता ने, फिर उन्हां दे भी माता पिता ने। आपां सारे अपने मन विच विचार करिए, जेड़े पुत्र ने वो ये सोचन साडा पिता है, साडे पिता दा भी पिता, फिर उन्हां दा भी कोई पिता, फिर उन्हां दा भी कोई पिता, फिर उन्हां दा भी कोई पिता, आखिर पहला पिता कौन सी। जे आप ये सोचिए, जेड़ी आज मेरी मां है वो कल किसे दी धी सी, ओदी भी कोई मां सी, फिर ओदी भी कोई मां, फिर ओदी भी कोई मां, आखिर पहली मां कौन सी। इंसान अपने दादे पड़दादियां दे नाम याद रखते ने एक पीढ़ी तक, दो या तीन पीढ़ियां तक। दादियां पड़दादियां दे कुछ लोग नाम याद रखते ने, उन्हां तो पहला कौन सी कोई याद नहीं रखता। ते गुरु साहब जी कहंदे ने, ऐ भाई अज तू है, तेरे धियां पुत्र होणगे, अगों उन्हां दे भी धियां पुत्र होणगे, फिर उन्हां दे भी धियां पुत्र होणगे, तू कदी है सी, फिर तैनू किसे ने याद नहीं करना। इस संसार दी खेड़ है, कुछ लोग ते जिउंदियां नू भुला देंदे ने, मर गया नू ते कोई कोई याद करता है। अज जिहड़ा पिता है कल पुत्र सी, फिर ओदा भी कोई पिता, फिर ओदा भी कोई पिता, आखिर कौन सी पहला पिता। एडी वड्डी संसार दी रचना, ते सतगुरु जी कहंदे हन हर इंसान ही समझदा है मैं पुत्र हाँ ते मेरा पिता है, अगो मेरे पिता दा भी कोई पिता सी, उन्हां दा भी कोई पिता सी, ते पिता ये समझते ने ये मेरे पुत्र ने, मेरे पुत्र दे भी अगो धियां पुत्र ने। पर गुरु साहब जी कहंदे ने अपनी धियां पुत्रां बारे, अपने माता पिता बारे तू सोचदा है, पर ये याद रख बाद विच तेरे बारे कौन सोचेगा। सतगुरु की कहंदे केतियां के बाप केतियां के बेटे। आज तक किन्ने क पिता हो चुके, किन्ने क पुत्र हो चुके ने, है कोई अंत। अरबां खरबां पिता, अरबां खरबां पुत्र जम चुके हैं, मर चुके हैं, होर किन्ने पुत्र जमणगे, ओ पिता बन जाणगे, होर कितने पिता मरणगे। ये तो एक खेड है और इस खेड का कोई अंत नहीं। केतियां के बाप केतियां के बेटे, केते गुर चेले हुए। और इस संसार ते किन्ने को गुरु हो चुके ने, किन्ने को ना दे चेले हो चुके। जेड़ा भी अजकल देखते हैं गुरु बनता है अपने आप ते बड़ा मान करता है, मेरे बड़े चेले वो भी मर जाते ने फिर होर जम पैंदे ने, वो भी मर जाते ने फिर होर जम पैंदे ने। ऐसी परमेश्वर की खेड है, इस चक्कर विच ऐसी दुनिया पाई है, ना कोई जन्म तो बच सकता है ना मौत तो। सतगुरु कहते हैं तू ये दावा करना है
ए मेरी माँ, ऐ मेरा पिता, ऐ मेरा पुत्र, ऐ मेरा भैन भरा। तो सतगुरु कहते हैं जरा ये भी तो सोच, आखिर सब तो पहला कौन सी, कौन सी पिता, कौन सी माँ। जिउंदियां दे साथ ने मर जावांगे की होवेगा की पता है। ये तो दुनिया ऐसी है, कई बार जिंदियां नूं भी लोग साथ छड़ जांदे, जिंदियां दे साथ अक्सर लोग छड़ जांदे ने। तू तो दावे करना है ए भी मेरा ए भी मेरा, पर ये तो सोच जद मर जाएगा फिर तेरा घर बार, तेरा परिवार, तेरे धिया पुत्र, तेरा कारोबार कौन सामेगा जिदी हुण चिंता करना। तू रवे ना रवे परमेश्वर दी खेड रवेगी, इत्थे दुनिया जमदी है मरदी है, तू भी मर जाएगा ते दुनिया नू कोई फर्क नहीं पैना। कुछ समा लोग याद करते ने फिर भुल जाते ने, आया गया मोया ना हो, जे नेक औलाद होवे ते कह छड़दी है हाँ साढ़े बुजुर्ग होंदे सी, नहीं ते कोई भी याद नहीं करता। मेरे साहेबा, मेरे साहेबा, मेरे साहेबा, कौन जाने गुण तेरे कहीं न जानी अवगुण मेरे। मेरे साहेबा, मेरे साहेबा, मेरे साहेबा, मेरे साहेबा। इस कथा तू किधरे ये ना समझ लेना, तिया पुत्रा नू छड़ दी, माता पिता भैणा भरावां नू छड़ दी, नहीं। गुरु साहब जी ये उपदेश करते ने इस दुनिया दी खेड नू सच्ची ना समझ। ए तिया पुत्र माता पिता भैन भरा ए भी परमेश्वर दी देन है, पर ए जरूर याद रख कि ए हमेशा रहन वाले नहीं ते ना ही आप हमेशा रहना है। इस करके संसार विच रह पर नेकियां कर, इस खेड नू सच्ची समझ के जुलम और पाप ना कर, ठगियां ना कर, ए समझ आया वा चलिया जाना है। जे चले ही जाना है तो फिर ए पाप झूठ और बुराइयां क्यों। कत के माई पाप कत केरा कि तू थाऊ हम आए। कदी ये सोचे कितों आए आसी, काहे काम हो पाए, क्यों सानू परमेश्वर ने पैदा किया। इन्नी दुनिया वो पैदा करता है, इन्नी दुनिया वो मारता है, जन्म देता है, मौत देता है। उस दुनिया विच, उस दुनिया विच असी भी जन्म लिया है, पर क्यों, क्यों सानू जन्म देता है। कत के माई पाप कत केरा कि तू ताऊ हम आए। अग्न बिंब जल पीतर निपजे काहे काम उपाय। काहे काम उपाय, कादे वास्ते सानू पैदा कीता, सानू पैदा कीता नेकियां वास्ते, चंगियाईयां वास्ते, प्रभु दा सिमरन करन वास्ते। ते फिर सतगुरु कहंदे हन ऐ अकाल पुरख, ऐ मेरे परमेश्वर, दुनिया तू बनाई, तेरी खेड दा कोई अंत नहीं, इस करके मैं तेरे अगे हाथ जोड़दा ते तेरी सिफत करदा। मेरे साहेबा कौन जाने गुण तेरे, तेरी इस खेड नू कौन जान सकदा है, क्यों तू संसार विच जीवा नू कलदा है, जन्म देना है, मौत देना है,
किन्नी वार तू दुनिया पैदा की थी, किन्नी वार खत्म की थी। तू अपने आप तू है, तेरा कोई अंत नहीं पा सकता। ना तू जन्म बिच है, ना तू मौत बिच है, एक ऐसी तेरी खेड है मेरे साहेबा। कौन जाने गुण तेरे, कहे ना जानी अवगुण मेरे। साडे औगुणा दा अंत कोई नहीं, ते तेरे गुणा दा कोई अंत नहीं मेरे साहेबा। मेरे साहेबा, मेरे साहेबा, मेरे साहेबा। कौन जाने गुण तेरे, कहे ना जानी अवगुण मेरे। मेरे साहेबा, मेरे साहेबा, मेरे साहेबा, मेरे साहेबा। परम सत्कार योग शासन आओ हूं आप सारे उस पवित्र धरती वाल अपना ध्यान ले चलिए, जिस धरती आपां सारे ननकाणा साहब कह के याद करते हैं। ननकाणा साहब, इस जगह का पहला नाम रायपुर की तलवंडी, पर इस धरती ते जद गुरु नानक साहब ने अवतार लिया तो इस जगह का नाम ननकाणा साहब पै गया। ये ननकाणा साहब की पवित्र धरती, ये पवित्र स्थान जेड़ा अजकल पाकिस्तान विच है, नानक नाम लेवा गुरसिख, ननकाणा साहब जा सकन पावे ना, पर हरेक गुरसिख दी नानक नाम लेवा दी ए इच्छा जरूर होंदी है। ऐ बादशाह, कदी कोई एहो जिहा समा बने उस पावन धरती ते आके मैं भी अपना मत्था टेका, सिर चुकावा जिथे तू अवतार लिया। गुरु नानक साहब का ओ पवित्र घर जिथे गुरु नानक साहब ने अवतार लिया, सवेर का वेला रसोई दे विच धन गुरु नानक साहब दे माता माता तृप्ता जी बैठे हैं। कुछ देर बाद गुरु नानक साहब दे पिता मेहता कालू जी आए और रसोई विच बैठे। माता तृप्ता ने पिता श्री मेहता कालू जी ने थाल विच प्रशादा पा के भोजन पा के दिता। पिता श्री मेहता कालू जी भोजन छकन लगे, माता तृप्ता जी नूं पुछदे ने, ऐ नानक दी मां, ए नानक दी वड्डी भैण नानकी इस वेले क्यों सुती है? ता माता तृप्ता जी कहन लगे, नानक दे पिता, ए नानकी हुणे रो रो के सुती है, मैं सिर्फ इनू इन्ना ही कहा, ऐ नानकी तेरा छोटा वीर नानक तेरी हर गल मनदा, तू नानक नू समझा। वो अपने पिता दे आखे लग के काम कार करया करे। ता अगू मैनू नानकी कहंदी है, अम्मी जी मेरे वीर नू तुसी अपना पुत्र ते कहंदे हो, पर अम्मी जी मेरिया अखां नाल देखो, ए ते आप नारायण कलातार जग मैं परवरियो, ए ते आप नारायण है जिहड़ा तुहाडे घर प्रगट होया। फिर अम्मी जी ए दुनिया दे काम करन नहीं आए, ए ते दुनिया दा
पार उतारा कर आए हैं। ते मैं अगो नानकी नुके है, नानकी चलिया वाली गल्ला ना करया कर। अगे ते लोग मखौल करते ने के त्रिपता तेरा पुत्र ए ते नारायण दा रूप है, आप नारायण है। हुण ती भी मखौल करन लग पई कि साडा पुत्र रब है। मैं इन्नी गल कही कि नानक रब ने ए ते साडा पुत्र है, ते नानकी रोन लग पई। रोंदी रोंदी कही जांदी है, मां ए मेरा वीर अरशां दा मालक है, इन्हें दुनिया दे काम नहीं करने, इन्हें तो दुनिया दा पार उतारा करने। ए कहंदी कहंदी रोंदी हुई नानकी सौ गई। हुण पिता मेहता कालू जी कहंदे, त्रिपता मैनू समझ नहीं आती, जेड़ा भी मिलता है एहो ही कहंदा है, कालू भागा वाला है, तेरे घर भारी अवतार पैदा होया है। पर त्रिपता एक गल दस, नानक पुत्र ते साड़ा ही है ना, साड़ा ही पुत्र है ना, ते जे ये अवतार है फिर सानू क्यों नहीं पता लगता? जां ते सारा जग कमला है, ते या फिर मैं कल्ला ही कमला हूं। मेरे साहेबा, मेरे साहेबा, मेरे साहेबा, मेरे साहेबा, कौन जाने गुण तेरे, कहीं ना जानी अवगुण मेरे। मेरे साहेबा, मेरे साहेबा, मेरे साहेबा। एक गल्ला कर दे पिता श्री मेहता कालू जी, प्रशादा छकन लग पे। माता त्रिपता उठे, अपने होर काम विच लग गए, प्रशादा छक लिया। और पिता मेहता कालू जी कंध दे नाल ढोल गा के बैठ गए, अखां बंद करन लई, अखां बंद कर लईआं, ते मन विच सोचदे ने। लोक कहंदे ने, कालू तेरे घर अवतार प्रगट होया, पर जे अवतार है ते मैनू क्यों नहीं पता लगता कि ये नानक सचमुच कोई अवतार है? ये सोचदिआं सोचदिआं पिता मेहता कालू जी ने अखां ते बंद कीतियां सन। नींदर आ गई, पिता श्री मेहता कालू जी बैठे बैठे ही रसोई दे विच कंध नाल ढोल लगा के सौं गए और सुत्या पिया। पिता श्री मेहता कालू जी एक सुपना देखते हन, बेआबान जंगल है, जंगल विच नदी वगदी है, उस नदी दे विचकार पिता श्री मेहता कालू एक सन्यासी दे रूप विच नदी दे ठंडे पानी विच खड़े होके तप पै करदे ने। मेरे साहेबा, मेरे साहेबा, मेरे साहेबा, साहेबा, कौन जाने गुण तेरे, कहीं न जानी अवगुण मेरे। मेरे साहेबा, मेरे साहेबा, मेरे साहेबा, पतित पावन
नाम हरि अतत पावन, नाम हरि कोट भगत, कोट भगत उदार करी अतत पावन, नाम हरि अतत पावन, नाम हरि कोट भगत, कोट भगत उदार करी अतत पावन, नाम हरि अतत पावन। राम नाम का नमस्कार, राम नाम का नमस्कार, जास जपत होवत जपत होवत उदार, कोट भगत, कोट भगत उदार करी अतत पावन, नाम हरि अतत पावन, नाम हरि अतत पावन। जाके सिमरन मिट है तन, सिमरन मिट है तंग, जाके सिमरन छूट है बंद, जाके सिमरन छूट है बंद, नाम हरि अतत पावन, नाम हरि अतत पावन। जाके सिमरन मूर्ख चतुर, जाके सिमरन मूर्ख चतुर, जाके सिमरन कुल उदर,
सिमरन कुल उदर कोट भगत कोट भगत उदार करी अतत पावन नाम हरि अतत पावन नाम हरि अतत पावन सिमरन पा दुख हरे जा कै सिमरन पा दुख हरे जा कै सिमरन अपदा टरे सिमरन अपदा टरे कोट भगत उदार करी जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। गुरुजी सदा सहाय
शिवा शिवजी सदा Oh.
जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी, किस किस गल दा शुकराना करा मैं गुरु जी। ए मनुख जून देन दा शुकराना, जिनू देवता भी तरसते ने। इस दिल दियां धड़कना दा, एन साहां दा शुकराना। अपनी संगत बनाउन दा शुकराना, सत्संग च बिठाउन दा शुकराना गुरु जी। हर पल अंग संग रहन दा ते उदा एहसास दिलान दा शुकराना। इस जिंदगी च सर उठा के जी पाउन दा शुकराना गुरु जी। साडे जन्मा जन्मा दे भैड़े कर्मां नूं माफ करन दा शुकराना। सानू जिंदगी दे नए मायने समझाउन दा शुकराना गुरु जी। ते सब तो वड्डा शुकराना उन सब परेशानियां दा गुरु जी, जिन्हां दी वजह दे नाल तुहाडा मिलना हो पाया। क्योंकि जे इस जिंदगी च वो दुख ते परेशानियां नहीं आंदियां ते असी शायद तुहानू लभ ही नहीं पाना सी। बस मेरी यही अरदास है गुरु जी, सरबत दा भला करो, सब दा कल्याण करो। सत्संग, सेवा, सिमरन ते अपनी भक्ति दा दान दिओ गुरु जी। तुहाडी रहमतां दा जशन मनावां, पर कदी भी मेरे च मैं ना आवे। मैनू ए सोझी दिओ कि कुछ भी स्थिर नहीं है, सिर्फ तुहाडा ते मेरा रिश्ता ही सदा रहना है। सानू अपनी रजा विच राजी रहना सिखाओ गुरु जी। मैं कदे ना भुलना कि तुहाडी मर्जी तो बगैर कदे कुछ नहीं हुंदा। मैं याद रखा कि मेरी अगली सांह दा भी भरोसा नहीं, ना मैं अपनी मर्जी तो आया ते ना मैं कदे अपनी मर्जी तो जा सकदा। मैं छोटी वड्डी होनिया च तुहाडी रहमतां नूं देखा, हर जीव विच तुहानूं देखा गुरु जी। तुसी मैनूं जिथे भी रखो, जिस हाल च भी रखो, मैं तुहाडा शुकराना करना ना भुल्ला। गुरु जी, जे तुहाडी रहमतां पा के मैं नीवा नहीं रहना ते मैनू अपनी रहमतां ना बख्शा जे। मैं कदी ना भुल्ला कि जो सब कुछ दे सकदा है वो सब कुछ कदे भी लै सकदा है। मैनू कुछ नहीं चाहिदा गुरु जी, सिर्फ वो चाहिदा है जो तुहानू मंजूर है। मैनू कदे भी वो ना मिले जो मैनू तुहाडे तो दूर करे। मेरे गुनाहां नू बख्श देना गुरु जी। असी चंगे माड़े तेरे, गुरु जी सानू बख्शो। असी कीते पाप बथेरे, गुरु जी सानू बख्शो। बस यही अरदास है तुहानू गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी।